हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल क्या हंगामा चल रहा है हमारी कंट्री में, तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि बंगाल में जो एक डॉक्टर थी और जिनका हत्या हुआ रेप करने के बाद, वो भी इतनी बर्बरता से किया गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि उनको पता चल गया था कि वहाँ पे क्या क्या गंदी हरकतें उस हॉस्पिटल के अंदर की जाती हैं। उनको हकीकत पता चल गई थी और इसकी कंप्लेन वो ऊपर करने वाली थी, और इसी वजह से इस सच को छुपाने के लिए ही उनका इस तरीके से मर्डर किया गया, इस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, सिर्फ सच्चाई बोलने की सज़ा। हमारे समाज में अगर हम सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं, तो हमें इस तरह का सज़ा मिलता है। तो जो भी सच बोलने वाले लोग हैं, उन्हें हमेशा अपनी माइंड में ये प्रिपेयर करके चलना चाहिए कि हम सच्चाई के साथ हैं और हम सच बोल रहे हैं, तो हमें मरने के लिए भी हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मैं आप सभी से यही अपील करूंगी कि आप सभी इस मूवमेंट में इस साथ दें, एक लड़की का साथ दें। आप किसी के भाई होंगे, किसी के पति होंगे, किसी के पिता होंगे, तो जितने भी पुरुष हैं वो सभी भी इस मूवमेंट में साथ दें, और जितनी महिलाएं हैं वो 100% अगर साथ दें तो मूवमेंट बहुत बड़ा बन जाएगा। और हमेशा जो है कि जो अपराधी है वो डरेगा इस तरह से कारनामे करने से, क्योंकि उसको रहेगा कि भाई इतना बड़ा मूवमेंट भी इस चीज़ का बन सकता है। लेकिन अगर हम चुप रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, जो वो लड़की थी वो इतने सारे सपने लेकर के, और आपको पता है ना कि डॉक्टरी निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारे लाखों बच्चे भरते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से कुछ हज़ार बच्चों का ही सिलेक्शन होता है और फिर कुछ सौ बच्चों का ही एडमिशन होता है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया को पार करने के बाद में एक बच्चा जब ट्रेनिंग के लिए जाता है, इतनी उम्मीदें पाल रखता है समाज के लिए कुछ करने का, उन्हीं बच्चों के साथ में इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो वाकई में लगता है कि हम हमारे समाज में किस तरह के लोगों को हमने रखा है, किस तरह के लोग हमारे समाज में रहते हैं, किस तरह की मानसिकता के लोग हमारे समाज में हैं। मुझे लगता है कि इंसान के रूप में ये सारे जानवर हैं, सारे भेड़िए हैं इंसान के रूप में। बताओ यार, किसी का चेहरा देख के आप कह ही नहीं सकते कि वो इंसान इतना बैड हरकत, इतनी बुरी चीज़ें भी करता होगा। क्या आप एक प्रिंसिपल को या फिर वहाँ पे जो वॉलंटियर काम करता है उसके फेस को आप देख के बता सकते हो कि वो इतना बैड काम भी करते होंगे पीछे पीछे? और उनकी साठगांठ, वो तो प्यादे हैं दोनों के दोनों, उनकी साठगांठ बहुत ऊपर तक होगी, बहुत ऊपर ऊपर के लोग मिले होंगे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें तोड़ फोड़ की गई और सबूतों को नष्ट किया गया। इसी तरह का केस सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी आप सभी को पता हो तो हुआ था, और उनके केस में भी जल्दी जल्दी से उनका अंतिम संस्कार किया गया और जल्दी से सारे सबूतों को नष्ट कर दिया गया। सीबीआई अभी तक क्या जांच किया, क्या पाया, क्या निकला, कुछ भी आज तक पेपर सामने ही नहीं आया। हम लोगों के सामने, हम आम लोगों के सामने कुछ भी नहीं निकला कि आखिर हुआ क्या। मीडिया भी इस चीज़ को नहीं बताती है कि बाद में उस केस का क्या हुआ, या फिर अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। मीडिया को भी चाहिए कि जो भी केस इस तरह का है उसका एक लास्ट जो चल रहा है अपडेट एक बार देती रहे। मीडिया इसलिए भी है, ये नहीं कि समय गया और वो चले गए, सारे आंदोलन ख़त्म हो गए तो हम उसको अपडेट देना ही बंद कर दें। अपडेट देना चाहिए मीडिया को,
हमें नॉलेज कहाँ से मिलेगा, हम एक जो आम इंसान होता है वो नहीं जाके अपडेट ले सकता है, उसे मीडिया के थ्रू ही सारे अपडेट्स मिलते हैं। तो मीडिया को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो भी इस तरह के केस हैं, अब उनमें क्या हो रहा है, उसका एक बार सिर्फ 2 मिनट की वीडियो बना करके वो डाल दे तो पूरे लोगों को अपडेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, जहाँ भी बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, वहाँ पे हमेशा केसों को इसी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है बहुत ही आसानी से। एक छोटा आदमी तो छोटी सी चीज कर कर बेचारा पूरी जिंदगी जेल में गुजार देता है, लेकिन जिनके इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं, नेता खुद शामिल होते हैं, बड़े बड़े जो इस तरह के प्रिंसिपल हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो खुद शामिल होते हैं, वो बच जाते हैं, वो पूरी जिंदगी ऐसे जीते हैं जबकि उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया होता है, कितने लोगों को मारा होता है, कितने लोगों की जिंदगी खराब की होती है, उसके बावजूद वो समाज में एकदम आंख उठा के चलते हैं और उनको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। जबकि एक छोटा इंसान छोटी सी गलती कर दे, एक छोटा इंसान छोटी सी चोरी कर ले, तो उसको कई सालों की जेल हो जाती है। तो बस मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी भी इस मूवमेंट का साथ दें, आप इस मूवमेंट के साथ खड़े हों। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम सभी को साथ देना चाहिए इस मूवमेंट में, सपोर्ट करना चाहिए अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं, अपने अपने लेवल के हिसाब से हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, हम सब प्रण लेते हैं कि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है, हम इस मूवमेंट को बरकरार रखेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। सारी महिलाएं, सारे पुरुष, सारे बच्चे, लड़कियां सब मिलके इस मूवमेंट का साथ देंगे ताकि लोग इस तरह की घटना करने के बारे में 100 बार सोचे। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और करना चाहूँगी कि आपके अगर लड़के हैं तो आप ज़रूर उनको एक अच्छी शिक्षा दें और उनको समझाएं हर वक्त कि लड़कियों को हमेशा आदर करें और हमेशा इनको इस तरह की नज़रों से ना देखें कि जैसे कि सिर्फ लड़कियां सेक्स अपील हों, उस तरह की नज़रों से ना देखें। तो दोस्तों, इसी कामना के साथ में कि आप सभी सपोर्ट देंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी एजुकेशन, खास करके इन बारे में कि वो लड़कियों को सही तरीके से ट्रीट करें और सही तरीके से समाज में चले रहें, क्योंकि आपकी समझाई हुई चीज़ें ही आगे चल के पेड़ बनती हैं, आपके बच्चे ही आगे चल के समाज में इस तरह का ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि ये जो लड़का है, जो वॉलंटियर अभी जिसने किया, वो भी तो किसी का बच्चा ही है ना। तो हमें अपने बच्चों से शुरुआत करनी होगी, उनको अच्छी चीज़ें देनी होंगी, अच्छी शिक्षा और अच्छे विचार उनको हमेशा देने होंगे। लड़कियाँ जो हैं सिर्फ और सिर्फ उसके लिए नहीं बनी हुई हैं, जबकि उनका आदर और सम्मान करना चाहिए और उनको इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके परिवार को इमोशनल सपोर्ट देती हैं, आपके परिवार को संभालती हैं। तो चलिए सब मिलके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकें। हैशटैग जस्टिस फॉर मोमिता आप डाल सकते हैं, या फिर जस्टिस फॉर बंगाल, ये भी आप हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो चलिए, इन हैशटैग के साथ में हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं।